हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टास्क बताए थे आपको, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, तो आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कराते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट के दौरान जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो ये होती है। देखिए, पहले हमने लिखा मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी, देर आर टू ब्रॉड टास्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड। तो जब भी मेमोरी मैनेजमेंट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, तो उसमें जनरली वो दो मेन काम होते हैं, ठीक है। वो दो मेन काम क्या है कि पहला तो ये है कि ईच प्रोसेस मस्ट हैव इनफ मेमोरी इन विच टू एग्जीक्यूट, एंड इट कैन नाइदर रन इन टू द मेमोरी स्पेस ऑफ अनदर प्रोसेस नॉर बी रन इन टू बाई अनदर प्रोसेस। मतलब मेन क्या होता है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये ध्यान रखता है कि ईच प्रोसेस को रन करने के लिए, ठीक है, ईच प्रोसेस को रन करने के लिए इनफ मेमोरी अवेलेबल हो। इनफ मेमोरी का मतलब ये हुआ कि इसको रन करने के लिए जितने मेमोरी की ज़रूरत है वो मेमोरी इसके पास अवेलेबल हो, ताकि ना तो ये प्रोसेस किसी और में इंटरफियर करे और ना ही किसी और प्रोसेस को अपने मेमोरी स्पेस में एंटर करने दे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन द सिस्टम मस्ट बी यूज प्रॉपरली सो दैट ईच प्रोसेस कैन रन मोस्ट इफेक्टिवली। मतलब सिस्टम के अंदर जो भी डिफरेंट तरह के मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है, आपको मालूम है कि मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो डिफरेंट तरह की मेमोरीज हैं ये सब स्मूथली काम करें, ठीक है, प्रॉपरली काम करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि सो दैट द प्रोसेस कैन रन, प्रोसेस कैन रन इफेक्टिवली। तो ये दो चीज़ें इफेक्टिवली, ठीक है, ये दो चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है। एक तो कि किसी प्रोसेस को जितने आपके मेमोरी की स्पेस की ज़रूरत है वो इतना मेमोरी स्पेस उसको एलोकेट करता है कि वो प्रोसेस ना तो किसी दूसरे प्रोसेस के मेमोरी स्पेस में इंटरफियर करे, ना किसी दूसरे प्रोसेस को अपने मेमोरी स्पेस में इंटरफियर करने दे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि सिस्टम के अंदर जो भी डिफरेंट तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, से स्टोरेज डिवाइसेस, रैम, रोम, मेन मेमोरी, ये सब प्रॉपरली वर्क करें। तो ये जो दो मेन टास्क होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जब वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक। अब देखिए, जो पहला टास्क है आपका, ठीक है, फर्स्ट टास्क में क्या होता है कि जब उसको अपना एरिया कवर रखना है, ना तो उसे दूसरे के में पेनिट्रेट करना है और ना दूसरे को अपने में इंट्रूड होने देना है। तो द फर्स्ट टास्क रिक्वायर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेट अप मेमोरी बाउंड्रीज फॉर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। तो पहला टास्क जो है वो तभी हो पाएगा जब उसको अपना जो है मेमोरी की वो प्रोसेस, मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 है, तो P1 प्रोसेस जितना भी मेमोरी स्पेस यूज कर रहा है उसको उसकी अपनी मेमोरी स्पेस की बाउंड्री डिफाइन करनी होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि लेट अस लुक एट इमेजिनरी सिस्टम विद 1 MB ऑफ मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड रैम ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आवर इमेजिनरी कंप्यूटर इज डिजाइन टू गो टू द टॉप ऑफ अवेलेबल मेमोरी एंड देन बैकअप फार इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इट्सेल्फ, ठीक है। लेट से दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स 300 KB टू रन। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम गोज टू द बॉटम ऑफ द पूल ऑफ द रैम एंड स्टार्ट्स बिल्डिंग अप द वेरियस ड्राइवर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर सब सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। इन आवर इमेजिनरी कंप्यूटर द ड्राइवर टेक्स अप 200 KB, सो आफ्टर गेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली लोडेड देर आर 500 KB रिमेनिंग फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस। क्या मतलब हुआ, उसने एक एग्जाम्पल ली कि मान लीजिए हमारा कोई जो है इमेजिनरी सिस्टम है, कोई हमने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है, और ये सिस्टम क्या कर रहा है कि इसके लिए 1 MB मेमोरी स्पेस अवेलेबल है हमारे पास, मान लीजिए 1000 KB, ठीक। अब जब हम इस
इस अच्छा ये 1000 किलोबाइट क्या है, ये आपका मेन मेमोरी है। ठीक, अब मान लीजिए इस सिस्टम को जब हम रन कराएंगे तो ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस, बूटिंग क्या होती है, बूटिंग जब कंप्यूटर फंडामेंटल की जो मेरी वीडियो पढ़ी उसमें मैंने बताया हुआ है कि बूटिंग मतलब जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो अपनी जो सेल्फ टेस्टिंग करता है, तो बूटिंग प्रोसेस में वो क्या करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले तो वो लोड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने लिया जो स्पेस ले रहा है वो ले रहा है 300 किलोबाइट। ठीक है, अब उसके अलावा और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस या और जो चीज़ें अटैच्ड हैं उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ले रहे हैं 200 किलोबाइट। तो जब ये बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि ये 500 किलोबाइट तो जगह ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सॉफ्टवेयर्स या ड्राइवर कह लीजिए, ड्राइवर भी बता चुका हूँ मैं वीडियो में, सेपरेट वीडियो मैंने डाली हुई है, तो 500 किलोबाइट जगह तो यहाँ कंज्यूम हो जाएगी और बाकी जगह का जो 500 किलोबाइट बचेगी जगह इस 1000 में से 500 तो यहाँ यूज हो गई, बाकी की जो 500 किलोबाइट जगह बचेगी दैट इज दैट मे बी यूज फॉर एप्लीकेशन प्रोसेसेस। तो इस तरह से मेमोरी दैट कैन बी यूज फॉर एप्लीकेशन प्रोसेसेस। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी मेमोरी का मैनेजमेंट का ये पहला टास्क एकॉम्प्लिश होता है कि जो टोटल मेमोरी है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने मान लीजिए लोड होने में इतनी जगह ले ली 300 किलोबाइट, बाकी के जो अदर सॉफ्टवेयर और ड्राइवर अवेलेबल है वो 200 किलोबाइट जगह रह रहा है, तो जो बाकी के 500 किलोबाइट जगह बची है वो बाकी के एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, मान लीजिए आप कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए वो अवेलेबल है। ठीक, अब आप आ जाइए कि इसके बाद ये क्या कह रहा है कि व्हेन एप्लीकेशन बिगेंस टू बी लोडेड इनटू मेमोरी दे आर लोडेड इन ब्लॉक साइजेस डिटरमाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि अब जब ये बूटिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद जब कोई आप एप्लीकेशन लोड कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई एप्लीकेशन लोड कर रहे हैं किसमें, मेमोरी में, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एप्लीकेशन लोड होते हैं वो ब्लॉक साइज के हिसाब से लोड होते हैं, ब्लॉक साइज के हिसाब से, और ये ब्लॉक साइज कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है, इट इज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब मान लीजिए ब्लॉक साइज अगर उसने डिफाइन कर दिया 2 किलोबाइट, क्लियर, देन एवरी प्रोसेस दैट इज लोडेड विल बी गिवेन अ चंक ऑफ मेमोरी दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 किलोबाइट इन साइज। यानी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ब्लॉक साइज डिसाइड कर दिया 2 किलोबाइट, तो जो भी आप एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस आप लोड करेंगे, ठीक है, वो 2 किलोबाइट के मल्टीपल में ही उसको जगह मिलेगी। जैसे मान लीजिए उसको 8 किलोबाइट चाहिए तो दो दो के उसको 4 मेमोरी चंक अलॉट हो जाएंगे, मान लीजिए उसको 32 चाहिए तो दो दो के 16 मेमोरी स्पेस अलॉट हो जाएंगे, मतलब जो भी होगा वो 2 के मल्टीपल में ही होगा, 2 के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन विल बी लोडेड इन दीज फिक्स साइज ब्लॉक्स विद द ब्लॉक्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंड बाउंड्रीज एस्टेब्लिश बाई वर्ड्स ऑफ 4 और 8 बाइट। तो जिस भी प्रोसेस के लिए आप जो ब्लॉक, जैसे ये मान लीजिए 8 किलोबाइट का आपने ब्लॉक अलॉट कर दिया, से सपोज कीजिए ये, या आपने 32 किलोबाइट के लिए आपने ये ब्लॉक अलॉट कर दिया, ठीक, तो हर ब्लॉक के शुरू में, स्टार्टिंग में और एंडिंग में बाउंड्री डिफाइंड होगी बाय वर्ड्स ऑफ, यानी 4 बाइट्स स्टार्टिंग बिट होंगे और 4 बाइट्स एंडिंग बिट होंगे जो ये बताएंगे कि ये एक 8 किलोबाइट का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे फिनिश है। ऐसे यहाँ पे होगा तो बताएगा कि 32 किलोबाइट का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे फिनिश है। तो ये 4 बाइट के या 8 बाइट के स्टार्टिंग और एंडिंग पे बाउंड्रीज डिफाइंड होगी। ठीक, दीज ब्लॉक्स एंड बाउंड्रीज हेल्प टू एंश्योर दैट एप्लीकेशंस वुड नॉट बी लोडेड ऑन। तो देखिए बाउंड्रीज डिफाइन करने से ये होगा कि एक प्रोसेस दूसरे में
ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। दीज ब्लॉक्स एंड बाउंड्रीज हेल्प टू इंश्योर दैट द एप्लीकेशन वॉन्ट बी लोडेड ऑन टॉप ऑफ अनदर स्पेस बाई ए पुअरली कैलकुलेटेड बिट और टू। विद दैट इंश्योरेंस द लार्जर क्वेश्चन इज वॉट टू डू वेन द 500 KB एप्लीकेशन स्पेस इज फिल्ड। अब इसमें बात यह आती है कि जैसे मान लीजिए अगर इस तरह हम मेमोरी अलॉट करते जा रहे हैं तो जो हमारे पास टोटल कितना बचा था, 500 KB जगह बची थी। अब जब ये 500 KB जगह पूरी अलॉट हो जाएगी अलग अलग प्रोसेस को, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि देखिए जनरली तो सारे कंप्यूटर में इट इज़ पॉसिबल टू ऐड मेमोरी बियॉन्ड द ओरिजिनल कैपेसिटी, मतलब मेमोरी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आप और एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड कर सकते हैं, ठीक। और जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप रैम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सपोज कीजिए 64, ठीक है, 64 GB की रैम है या 32 GB की रैम है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1 MB या 2 MB की रैम तक। तो ये जनरली सारे कंप्यूटर में फैसिलिटी रहती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इस काम से तो हमारा काम चल जाएगा भाई, मेमोरी बढ़ जाएगी, हम अपना काम करेंगे, लेकिन इसको कन्वर्ट करना, मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये क्या होता है, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, पैसा लगता है इसमें, ठीक। फिर क्या करते हैं कि ए प्रोसेसर कैन ओनली एक्सेस मेमोरी वन लोकेशन एट ए टाइम, सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रैम इज अनयूज एट एनी मोमेंट। सिंस डिस्क स्पेस इज चीप कंपेयर टू रैम, देन मूविंग इंफॉर्मेशन इन रैम टू हार्ड डिस्क कैन ग्रेटली एक्सपेंड रैम स्पेसेस एट नो कॉस्ट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब वो क्या कह रहा है कि चूंकि अब ये जो टोटल हमारी 500 KB जो जगह है, ठीक है, ये अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग प्रोसेस के द्वारा इस्तेमाल हो रही है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक। मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, अब ये अलग अलग प्रोसेस, एक प्रोसेस ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये इस्तेमाल हो रही। लेकिन वो क्या कह रहा है कि प्रोसेसर जो है, ए प्रोसेसर कैन ओनली एक्सेस मेमोरी लोकेशन वन लोकेशन एट ए टाइम, वन लोकेशन एट ए टाइम। तो प्रोसेसर एक बार में एक ही लोकेशन के साथ काम करेगा। मान लीजिए अगर प्रोसेसर इससे डाटा एक्सेस कर रहा है या डाटा रीड राइट कर रहा है तो बाकी का कोई यूज नहीं है, या इससे कर रहा है तो बाकी का कोई यूज नहीं। तो वो क्या कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि इनको, ठीक है, मूविंग इंफॉर्मेशन इन रैम टू हार्ड डिस्क, तो उस दौरान उस टाइम के लिए आप क्या कीजिए कि इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो ब्लॉक यूज नहीं हो रहा है, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए किसमें, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में आप ट्रांसफर कर देंगे तो ये स्पेस टाइमिंग के लिए खाली हो जाएंगे, केवल जो ब्लॉक यूज कर रहा है प्रोसेसर केवल उतने मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमें मेमोरी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे प्रोसेस जो है सारे वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट भी हो सकते हैं विदाउट एनी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। तो इस ये जो टेक्निक हम यूज करते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी फंक्शनिंग का, ठीक है। और अभी इसका जो नेक्स्ट जो काम रह गया है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है स्टोरेज मैनेजमेंट, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।